Hello students, welcome to तरुणा डिफेंस अकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। सेना भर्ती के निदेशक बॉबी सिंह ने यहाँ पे आग्रह किया है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, कि वो अफवाहों से बचें। नोटिफिकेशन जारी होते ही जो है लिखित एग्ज़ाम की सूचना है वो दे दी जाएगी, और जिनकी फ़िज़िकल या मेडिकल बाकी रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी सूचना मिल जाएगी। ये जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट है जॉइन इंडियन आर्मी पे दी जाएगी। बहुत सारे फेक जो नोटिफिकेशंस हैं वो इधर उधर अभी जो है वायरल किए जा रहे हैं। उनमें जो है काफ़ी सारे जो नोटिफिकेशन है वो फेक हैं, इसलिए स्टूडेंट्स भ्रमित नहीं हों, इसके लिए जो सेना के निदेशक हैं उन्होंने ये आग्रह किया है। इसमें देखिए हम पढ़ते हैं क्या है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक बोले, शारीरिक व लिखित परीक्षा की तैयारी करते रहें। लिखित परीक्षा नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, इस बात का उनको ध्यान है। सेना बहाली की लिखित परीक्षा का इंतज़ार कर रहे मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के अभ्यर्थियों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। सेना भर्ती के कार्यालय के जो निदेशक हैं बॉबी सिंह, उन्होंने ये अभ्यर्थियों से आग्रह किया है। परीक्षा की तिथि मुख्यालय की ओर से घोषित कर दी जाएगी। अगर कोई अफवाह फैला रहा है इस तिथि को, परीक्षा होने वाली कोई डेट फिक्स कर दी गई है, तो अभी इस बात पर ध्यान नहीं देना है। बाकी हम आपको ये बता देते हैं कि अभी संभावनाएँ जताई जा रही है कि मार्च एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी अभी आर्मी की तरफ से एकदम फिक्स कोई भी डेट डिसाइड नहीं की गई है। मार्च या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं जो हैं जताई जा रही हैं, लेकिन जो रियल ओरिजिनल डेट है वो आर्मी के नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको पता चलेगी, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। तो जब भी फिक्स डेट आपकी आएगी आर्मी की तरफ से, आपको टेलीग्राम पर सूचना भेज दी जाएगी, जो तरुणा डिफेंस अकेडमी का ग्रुप है उसमें। तो तब तक अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाए रखें। इधर उधर भागने से, पता करने से आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। तो अगर कोई अफवाह फैला रहा है कि इस डेट को परीक्षा होने वाली है, तो इस पर ध्यान नहीं दें। अपनी शारीरिक व लिखित परीक्षा के साथ साथ तैयारी करें। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि आपकी काबिलियत और मेहनत ही सेना में शामिल होने का एकमात्र रास्ता है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, एक दिन भारतीय सेना के अंग आप अवश्य बनेंगे। कर्नल जसरोटिया ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि किसी भी बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें। सेना में भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की जाती है। बिचौलियों का मतलब यहाँ से क्या है, जो एजेंट्स होते हैं कि हमें 2 लाख दे दो, हमें 5 लाख दे दो, हमें 10 लाख दे दो, हम आपको नौकरी लगा देंगे। तो बहुत सारे केसेस में ये पाया जाता है कि लोग आपके पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इन चक्रों में पड़ता है तो पैसे भी चले जाएंगे और नौकरी भी नहीं मिलती है, और आप अपनी तैयारी जो बेहतरीन तरीके से कर रहे थे उससे भी भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसकी भी अपील की गई है। जनवरी-फरवरी 2021 में सेना बहाली में 8 जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद 8 जिलों के करीब 2,000 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। 2 बार परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद भी कोरोना संक्रमण के कारण लिखित परीक्षा टाल दी गई थी। इस बारे में जो है यहाँ पे कर्नल ने अपने विचार इस तरह से रखे हैं। तो जल्द ही आपकी परीक्षा होने का आश्वासन दिया गया है, तो जल्द ही परीक्षा हो जाएगी। बट कोई भी जो फेक नोटिफिकेशंस हैं उन पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है, बस यही बात कही गई है। तो तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।